इस करके आइए दो वंदनाएं। भाव बड़ा प्यारा है कि अगर किसी की सेवा करनी है तो जीते जी करिए, मरने के उपरांत तो सभी आते हैं, लेकिन अगर किसी को कंधा देना है तो जीते जी दीजिए ताकि वो चार दिन की जिंदगी और आसानी से काट पाए। आइए उसी तरह का एक बड़ा प्यारा सा भाव है जी। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। सेवा करनी है तो जीते जी ही करिए। बोली सच्चे दरबार की चलो। सुनिए जी, पर ऐसा नहीं है कि एक कान से सुनकर के दूसरे कान की तरफ बात निकाल देना। अमल करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी बार बार मिलती नहीं, मिली है तो आजकल तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, कामकाज वैसे ही बंद है, तो प्रभु का कीर्तन करिए, मस्त रहिए, जो मालक करेगा वो सही करेगा। तो आइए प्यारे भाव के साथ चलना है किस तरह कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। Thank you.
बोलिए सच्चे दरबार।